नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे लिंक के बारे में जहाँ से आप GTA San Andreas गेम बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी ऐड के। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें ताकि आपको सारा प्रोसेस पता लग जाए कि हम इसे कैसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या, मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने एक लिंक दी हुई है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको उस लिंक पे आ जाना है। तो दोस्तों जैसे आप उस लिंक पे आ जाते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल जाता है। तो दोस्तों फिर हमें करना क्या है, इस पेज पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और वहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास 1.08। हमें इसे सबसे पहले टैप कर लेना है APK डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों जैसे ही हम इस पर टैप कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर फिर दिखा लेगा कि योर डाउनलोड स्टार्टिंग, हमारी जो लोडिंग है ऊपर स्टार्ट होने लग जाएगी। अगर दोस्तों आपको ज़्यादा जल्दी करना है तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे दबा के आपके पास दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि ये जो है डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों मैं इस गेम को डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि ये गेम मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। मैं आपको बस बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में कैसे डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना APK डाउनलोड कर देते हैं तो उसके बाद आप अब इस जो का OBB फोल्डर होता है आपको वो डाउनलोड करना है। तो दोस्तों आपको इसी लिंक पे नीचे लिखा हुआ है कैच फॉर GTA San Andreas 1, फिर आप ब्रैकेट में MB लिखी हुई है 1.63 MB वर्जन 1.08 दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों इस साइट में भी थोड़ी सी जो ये फाइल है कंप्रेस की हुई है क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो GTA San Andreas की फाइल है 2.4 GB की है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1700 MB में ही मिल रही है, लगभग 1.5 GB के आसपास के हमें ये गेम मिल रही है। तो दोस्तों फिर हमें यहाँ पे फिर से हमें वही करना है, क्लिक हेयर पे टैप कर लेना है तो आपको ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका कैच फोल्डर भी, यानी कि OBB फोल्डर। तो दोस्तों जैसे ही आप दोनों डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको करना क्या है, अपना जो उसका जो OBB फोल्डर होगा वो OBB फोल्डर नाम दिया होगा com.rockstargames.gta.sa, उसे आपको करना क्या है अपने फाइल मैनेजर में जाके एंड्रॉयड फोल्डर में जाके फिर उसे वहाँ पे एक OBB फोल्डर होगा उसके अंदर आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों आप ये जो फाइल है या आपसे टोरेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास टोरेंट है तो ये इस टोरेंट जिप में हमें मिल जाती है 26.35 MB की हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों इस मैं आपको इस गेम का ना गेम प्ले दिखाने जा रहा हूँ। और दोस्तों गेम प्ले दिखा देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दो अपने दोस्तों तक भी ये सारी ये मेरी वीडियो पहुंचा दीजिए जिससे वो भी GTA San Andreas खेल पाएंगे। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों आप कमेंट भी कर दीजिए अगली गेम का, किस गेम के टॉपिक के ऊपर आपको गेम चाहिए, मैं आपको वो गेम दे दूंगा, उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अच्छा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है तुषार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तक ले जय हिंद वंदे मातरम।